समय समय पर हमारे विभिन्न धर्माचार्यों ने विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से भगवत भक्ति आराधना और उसके स्वरूप को विभिन्न रूपों में जनमानस में प्रस्तुत किया। इन्हीं संप्रदायों में प्रमुखता से श्री राधा वल्लभी संप्रदाय जो कि रस की एक अनुपम धारा हमें प्रदान करती है, ऐसी संप्रदाय को विभिन्न समय समय पर संत महात्माओं सदगृहस्थ संतों ने अपने अपने प्रकार से उसको जनमानस के बीच गाया सुनाया। इसी परंपरा में श्रीमद् भागवत के अनन्य गायक और राधावल्ली संप्रदाय के उपासक भागवतींकर शांतिनाथ शास्त्री जी ने विभिन्न राधा सुधारा जी के माध्यम से, राधावल्लभ कवच के माध्यम से, श्री 84 के माध्यम से, समय समय पर अपने प्रवचनों के माध्यम से इस संप्रदाय को मानने वाले व अन्य को समय समय पर सिद्ध किया। इसी परंपरा, इसी क्रम को एक नया रूप प्रदान करते हुए सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री मधुकर जी ने एक नवीनतम अभिनव प्रयास किया हित 84 को संगीत में करने के लिए। और ये उनका जो प्रयास है, हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में युगों तक जो रस की परंपरा और राधावल्ली संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनको एक अद्वितीय अनुपम आनंद प्रदान करेगा। हम श्यामा श्याम के चरणों में इस उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।